इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बैटरी ज्यादा बैकअप देती है, प्लस कौन सी बैटरी जो है ज्यादा दिन तक चलती है, मतलब कि उसकी लाइफ जो है ज्यादा दिन तक होती है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं हमारे वीडियो पे कि सर हमें बैटरी खरीदना है, तो हम कौन सी ऐसी बैटरी खरीदे जिसकी लाइफ भी ज्यादा होनी चाहिए और उसका बैकअप भी अच्छा खासा होना चाहिए। इस तरह के लोग जो है ऑप्शन भी देते हैं, क्या हमें सोलर बैटरी खरीदना है या फिर इन्वर्टर बैटरी खरीदना है, और दोनों में से कौन सी बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है और ज्यादा बैकअप कौन सा देता है। तो इस वीडियो में हम क्लियर बताएंगे कोई आपको सोलर बैटरी लेना है या फिर इन्वर्टर बैटरी लेना है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड तक मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए सोलर बैटरी बेस्ट रहेगी या फिर इन्वर्टर बैटरी बेस्ट रहेगी। देखिएगा, इस बैटरी के मामले में एक और बैटरी आती है जो कि लिथियम में होती है, तो लिथियम बैटरी जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, उसकी प्राइस जो है काफी ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप अपने घर में लगाने के लिए कोई बैटरी ढूंढ रहे हो या फिर अपने दुकान में लगाने के लिए कोई बैटरी ढूंढ रहे हो, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको सोलर बैटरी लेना है या फिर इन्वर्टर बैटरी लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं। देखिए गाइस, टोटली डिपेंड करता है कि हमें अपनी बैटरी को इस्तेमाल कहां पर करना है और अपनी बैटरी को चार्ज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सोलर बैटरी होती है ज्यादा डिजाइन और स्पेशल मैन्युफैक्चर किया जाता है सोलर से चार्ज करने के लिए, हालांकि उसको हम इन्वर्टर से भी चार्ज कर सकते हैं। और इन्वर्टर बैटरी जो है, इन्वर्टर बैटरी को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है हमारे इन्वर्टर से ही चार्ज करने के लिए, हालांकि उसको भी हम सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। अब डाउट रहता है कि हम इन्वर्टर बैटरी खरीदे या फिर सोलर बैटरी खरीदे, तो सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट क्या था कि इस बैटरी की लाइफ किसकी ज्यादा होती है। देखिए गाइस, अगर हम नॉर्मल सोलर बैटरी की बात करें तो सोलर बैटरी होती है उसकी लाइफ हमारे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से उसकी लाइफ ज्यादा होती है, 1 से 1.5 साल उसकी लाइफ ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल कोई इन्वर्टर बैटरी खरीदते हैं तो मैक्सिमम उसकी 4 से 5 साल तक वारंटी हमें मिल जाता है, और जिस बैटरी की वारंटी हम 4 साल मिलता है तो वो बैटरी जो है 5 से 5.5 साल आराम से चल जाता है। लेकिन सोलर बैटरी क्या है कि अगर सोलर बैटरी की ही वारंटी 1 साल 1.5 साल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो सोलर बैटरी में हमें 5 साल की भी वारंटी देखने को मिलती है, 6 साल की भी देखने को मिलती है और 7 साल की भी वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन उसकी लाइफ जो है 1 साल ज्यादा होती है। जो भी वारंटी मिलती है उससे 1-1.5 साल ज्यादा लाइफ होती है हमारी सोलर बैटरी की। फाइनली अगर देखा जाए तो लाइफ के बारे में, तो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से हमारा सोलर बैटरी जो है 1 से 1.5 साल ज्यादा दिन तक चलता है। हालांकि दोस्तों कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट थोड़ा सा महंगा भी आता है हमारा सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से। ये कौन सी बैटरी ज्यादा बैकअप देती है, देखिए बैकअप के मामले में भी अगर हम बात करें तो ये दोनों बैटरी के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा इन्वर्टर बैटरी की जो एफिशिएंसी होता है वो 70% से 80% तक होता है, लेकिन सोलर बैटरी जो होती है उसकी एफिशिएंसी 80% से 90% होती है। अब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो ज्यादा बैकअप देगी, जाहिर सी बात है। अब यहां पर दोस्तों जो सोलर बैटरी है वो नॉर्मल हमारे इन्वर्टर बैटरी से 1 घंटा या फिर कहें तो 2 घंटा तक ज्यादा बैकअप दे सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम एफिशिएंसी माइनस करते हैं हम अपनी सोलर बैटरी की, अगर हमारे पास 200 एम्पीयर की कोई सोलर बैटरी है तो उसको अगर हम 80% एफिशिएंसी उसका निकालते हैं तो इतने एम्पीयर की हमारी बैटरी रह जाती है। अगर हमारे पास कोई इन्वर्टर बैटरी है और उसकी एफिशिएंसी 70% है तो हमारी बैटरी जो है इतनी एम्पीयर की ही रह जाती है, मतलब कि इतना एम्पीयर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का जो डिफरेंट बच जाता है उतना एम्पीयर जो है बैटरी खुद में स्टोर करके रखती है ताकि उसको आगे फिर से चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखा जाए तो बैकअप के मामले में भी और लाइफ के मामले में भी हमारी सोलर बैटरी आगे निकल जाती है। सोलर बैटरी लेने का एक नहीं, एक और मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं। देखिए गाइस, अगर आप सोलर बैटरी लेते हो तो उसको आप नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से 2 गुना स्पीड में चार्ज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने सोलर बैटरी को इन्वर्टर से भी अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो आप छोटी बैटरी पे बड़ा इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपने बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करते हो तो सोलर बैटरी लीजिएगा, अगर आप इन्वर्टर से चार्ज करना चाहते हो तो इन्वर्टर बैटरी लीजिएगा। हालांकि दोस्तों आप चाहें तो सोलर बैटरी को इन्वर्टर से भी चार्ज कर सकते हो और इन्वर्टर बैटरी को सोलर से भी आप आसानी से चार्ज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।